इसमें देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जो सबसे सिंपल मतलब हम लोग समझ सकते हैं वो होता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन मीन्स रेट ऑफ चेंज, ठीक है, एकदम एकदम शॉर्टेस्ट डेफिनेशन में बोला जाए व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखते हैं ऐसे dy वाई बाई डी एक्स, ये लिखने का तरीका है। एंड इट्स मीनिंग इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये मतलब होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, एंड का मीनिंग हो गया सिंपल डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, एकदम सिंपल मतलब। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल लेकर समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है, वी विल टेक एन एग्जांपल एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज रेट ऑफ चेंज। तो सबसे सिंपल जो तुम लोग पता है रेट ऑफ चेंज का, ये तुम जानते हो वेलोसिटी जानते हो, ठीक है, वेलोसिटी किस चीज का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में होता है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर अगर स्पीड का बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज को हम लोग बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो हम लोग उसी टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे पास एक व्हीकल है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लो 10 बजे स्टार्ट किया एक जगह से एंड 11 बजे किसी दूसरे जगह पर पहुँचता है एक घंटे के डिफरेंस में, ठीक है, ए व्हीकल स्टार्टेड एट अ वन इंस्टेंट एंड रीच टू अनदर प्लेस विद ए टाइम ब्रेक ऑफ 1 आवर, ठीक है, 10 बजे स्टार्ट किया 11 बजे पहुंचा, यहाँ से लेकर मान लो स्टार्ट करके फिरालाल चौक तक गया, ऐसे कोई व्हीकल गया। अब यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस सपोज 5 किलोमीटर है, ठीक है, द डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। अब हमें पूछा जाए कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे 5 किलोमीटर कितने देर में, एक घंटा में, ठीक है, ये हम लोग वेलोसिटी निकाले। लेकिन ये जो वेलोसिटी हम लोग निकाले हैं ये पूरे ड्यूरेशन का है, 10 बजे से 11 बजे के बीच, ठीक है, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ होगा गाड़ी बीच में ट्रैफिक में रुका होगा, वाइल ट्रैफिक इट्स स्पीड विल बी 0, बीच में खाली रोड आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, इसका स्पीड हर मोमेंट पर अलग अलग, बट व्हाट इज वैल्यू इज देयर, दिस इज एवरेज, ये एवरेज स्पीड है, ये हर मोमेंट का अलग अलग स्पीड नहीं बता रहा, दिस इज एवरेज। तो व्हाट एवर कॉन्सेप्ट यू आर हैविंग टिल नाउ अबाउट वेलोसिटी और स्पीड, दैट इज एवरेज, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये एवरेज दिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करते हैं इसी चीज को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, 10 से लेकर 10:30 तक मान लो एंड 10:30 से 11 ऐसा कर, ठीक है, वी हैव स्प्लिट द टाइम ड्यूरेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में मान लो 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, सेकेंड पार्ट में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट वाले पार्ट में सपोज ट्रैफिक था और यहाँ पर ट्रैफिक कम था, ठीक है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का जो स्पीड लिखेंगे लिखेंगे 3 किलोमीटर कितने देर में, आधा घंटा में। सेकेंड पार्ट का क्या लिखेंगे, 2 किलोमीटर आधा घंटा में कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी हैव गॉट टू डिफरेंट स्पीड्स फॉर टू डिफरेंट पार्ट्स, दोनों पार्ट का जो अभी आया है वैल्यू ये दोनों भी एवरेज स्पीड ही है, ये फर्स्ट पार्ट का है, दूसरा वाला दूसरे पार्ट का है, दोनों एवरेज स्पीड ही है। अब हम लोग क्या करते हैं इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं, आधा घंटा को 15 मिनट में डिवाइड किया, 15 मिनट के 4 गैप्स, तो हमारे पास 4 स्पीड आएगा, ठीक है, वी विल हैव 4 डिफरेंट एवरेज स्पीड्स फॉर 4 डिफरेंट टाइम गैप्स, ठीक है, टाइम इंटरवल्स के लिए। अब हम इसको फर्दर स्प्लिट करते करते क्या कर सकते हैं, एकदम छोटा करते करते एक एक सेकेंड का गैप बना सकते हैं,
ठीक है. सो इफ यू मेक वन वन सेकेंड गैप सो फाइनली वी विल हैव वेलोसिटी अप टू टोटल इतने सेकेंड सोचें एक आवर में इतने अलग अलग वेलोसिटी जाएंगे. ऑल दीज वेलोसिटीज आर एवरेज वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सेकेंड. ये वेलोसिटी पहले सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी है, दूसरे का, तीसरे का, इसी तरह 3600 सेकेंड का. ठीक है. अब चूंकि टाइम गैप बहुत छोटा हो गया है, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एवरेज अभी आया है ये उस पॉइंट का वेलोसिटी है, उस मोमेंट का. जैसे कि मान लो 10:15 and 21 seconds पर हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम लेंगे, इस टाइम पर जो भी स्पीड है, ठीक है, कोई भी स्पीड मान लो ये आया, ये जो निकला इस टाइम पर, ये स्पीड तो एवरेज है उस सेकेंड का, बट वी कैन टेक इट एज द स्पीड एट दैट इंस्टेंस. उस इंस्टेंस का स्पीड लिया जा सकता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं हम लोग उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको बोल सकते हैं, बिकॉज दैट वेलोसिटी इज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस. ठीक है. अब देखो हम लोग एक सेकेंड का बात किए, लेकिन एक सेकेंड से छोटा भी तो टाइम होता है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड कहीं तक भी जा सकते हैं. तो हम लोग उसको अगर एक जनरलाइज करते हैं, मतलब जनरल तरीके से लिखना चाहें, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे थे ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का वेलोसिटी जब लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे. चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा एस इज व्हाट, चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम. ठीक है. और ये टाइम जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए. एक सेकेंड तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट इट शुड बी इवन स्मॉलर. कितना स्मॉल, क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो, ठीक है, छोटा सा कैमरा. देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो इसका निकलेगा, हम लोग जो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले, इसके लिए जो टाइम गैप है ये वन सेकेंड कोई जरूरी नहीं है, उससे भी छोटा लिया जा सकता है, मिली सेकेंड लिया जा सकता है, माइक्रो सेकेंड लिया जा सकता है, ठीक है, इससे भी छोटा लिया जा सकता है. तो हम लोग इसको एक जनरल इस तरह से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. ठीक है, बता रहे. देखो हम लोग जैसे क्या करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट जो निकला एक छोटे से टाइम गैप में, डेल्टा एस, और ये टाइम गैप लिखे, ये टाइम गैप वन सेकेंड तक हम लोग कंसिडर किए, ये मिली सेकेंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है, या उससे छोटा भी हो सकता है. कितना छोटा होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ उसका मतलब, ठीक है, हम लोग लिखते हैं ऐसे, लिमिट डेल्टा एस टी टेंड्स टू जीरो. अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इसको पहले बोलते क्या, इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. ठीक है, ये इसको इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी इतना छोटा है कि वेरी नियरली जीरो, जीरो नहीं है लेकिन जीरो से जस्ट बड़ा है. ठीक है, अब जस्ट बड़ा कितना है, तो कितना भी तुम टाइम लो, अगर मिली सेकेंड लेते हो तो उससे भी छोटा कंसीडर करो, माइक्रो, माइक्रो अगर सोचते हो तो नैनो लो, ठीक है, उससे भी छोटा, जितना छोटा से छोटा कंसीडर कर सकते हो टाइम को, लेकिन जीरो नहीं है, ये बस ध्यान रखो, दिस इज नॉट जीरो. अगर ये जीरो हो जाएगा तो देखो क्या होगा, अगर टाइम जीरो हो गया तो जीरो टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट बाई जीरो टाइम अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो बाई जीरो आ जाएगा ना, लेकिन ये जीरो नहीं है, ठीक है, ये जीरो से काफ़ी नज़दीक है. अब मैं इसको देखता हूँ, ये तो एक डेफिनेशन की तरह हो गया, अब इसको हम लोग करके एक बार देखते हैं, प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं कैसे इसको किया जा सकता है. और इसी को हम लोग लिखते हैं डी एस बाई डी टी. ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं डी एस बाई डी टी. और ये चीज को हम लोग बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल लेकर एक बार देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो दिया हुआ है एस, मान लो एक्स है, ये लिखा हुआ एस, एस एस जो है वो टी स्क्वायर दिया हुआ है एस। ठीक है, एस इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या निकला, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन की तरह समझो। तो एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल का पोजीशन क्या था, कितना होगा टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एस जीरो आएगा। टी इक्वल टू वन पर कितना है, वन। टी इक्वल टू टू पर फोर। ठीक है, टी इक्वल टू थ्री पर नाइन। तो ये दिया हुआ है, अगर एक पार्टिकल का पोजीशन इस तरह का रूल फॉलो कर रहा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन ऐसे लिख सकते हैं गिवन टाइम में, मतलब दो सेकेंड पर चार होगा उसका पोजीशन, तीन सेकेंड पर नौ होगा, एक सेकेंड पर एक होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस पार्टिकल का क्या हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन यूज करके। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी देखो क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अभी कर रहे हैं वेलोसिटी निकाल रहे हैं इस पार्टिकल का। पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ दिया हुआ है, हम लोग अभी इसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन करके। तो ये चीज हम लोग को करना है। तो इसमें देखो क्या क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक टाइम लेंगे और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। एक टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब टी को चेंज करें, थोड़ा सा बढ़ाएंगे टी को, हम बढ़ा कर ले जाएंगे टी प्लस डेल्टा टी, और इसके बाद में क्या करेंगे, ये डेल्टा टी जो है जो टाइम में चेंज है इसको काफी छोटा करके चेक करेंगे। हम लोग का डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है, डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए। तो हम लोग टी को पहले चेंज करेंगे न्यू टाइम पे। ठीक है, ये न्यू टाइम हो गया, अब न्यू टाइम आ गया। अब हम लोग देखते हैं न्यू पोजीशन क्या है, ओल्ड पोजीशन ये है, ओल्ड टाइम ये है, न्यू टाइम ये है, न्यू पोजीशन क्या होगा, ये होगा देखो शुरू में टाइम टी था, तो पोजीशन क्या था एस इक्वल टू टी स्क्वायर, बाद में टाइम को हमने थोड़ा सा चेंज किया बढ़ाया तो पोजीशन भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब चेंज इन एस। ठीक है, तो ये न्यू एस माइनस ओल्ड एस, चेंज इन पोजीशन क्या होगा, न्यू पोजीशन माइनस ओरिजिनल पोजीशन ओल्ड पोजीशन। तो न्यू पोजीशन कितना है, टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, थोड़ा सा एक्सपेंड करते, हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, आ जाएगा डेल्टा टी टू टी प्लस डेल्टा। ठीक है, सिंपल सॉल्व किया।
ये निकल गया। देखो हम लोग क्या स्टार्ट किए, हम लोग लिए एक टाइम, उसके जगह पर एक पोजीशन आया, टाइम को थोड़ा सा मॉडिफाई किए, थोड़ा सा चेंज किए डेल्टा टी से। अब नया पोजीशन निकाले, पोजीशन का डिफरेंस निकाले तो चेंज ऑफ पोजीशन आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी निकालना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये चीज निकालना होता है, चेंज ऑफ पोजीशन बाय चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन इतना है। डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान देने का बात यह है कि देखो हम लोग अभी क्या करने वाले, डेल्टा टी को काफी छोटा अज्यूम करें। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना भी छोटा हो, जीरो से कितना भी पास हो, चाहे वो नैनो सेकेंड में हो, पिको सेकेंड में हो, या फेमटो सेकेंड में हो, माइक्रो किसी भी रेंज में हो, लेकिन डेल्टा टी कैंसिल तो होगा नहीं हर केस, कितना भी छोटा हो कैंसिल तो हर केस में होगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट स्टेप करते हैं वी एस बाय डी, जो कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, टाइम को नेग्लिजिबली स्मॉल ले लेते हैं। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब टाइम जो है काफी छोटा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। क्या होगा डेल्टा टी बहुत छोटा है, जो बहुत छोटा होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअली जब लिमिट लेते हैं तो इक्वल हो जाता है, टू टी आ गया। इसका मतलब ये निकला कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन s इक्वल टू t स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका जो स्पीड आएगा वो 2t आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और लिख कर देखते हैं हम लोग, अगर इसी पार्टिकल का स्पीड लिखे जो कि होता है ds बाय dt, इसका वैल्यू कितना आया है इस पर्टिकुलर केस के लिए 2t, तो इसका स्पीड t इक्वल टू जीरो पर कितना होगा, t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे कितना आएगा स्पीड, जीरो, t इक्वल टू वन पुट करेंगे टू, t इक्वल टू टू पुट करेंगे फोर, सिक्स। इसका मतलब ये निकल रहा है कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो भी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है, शुरू में जीरो था स्पीड, बाद में टू हो गया, फिर फोर हो गया, फिर सिक्स हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है, एक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक बार में दिक्कत लगेगा। हम लोग क्या किए हैं कि स्मॉल चेंज के लिए दोनों का रेशियो लेकर सॉल्व किए। ठीक है, अब एक दूसरा हम लोग फंक्शन लेते हैं, सपोज y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं हम लोग डी वाई बाय डी एक्स। लास्ट केस में हम लोग निकाले थे डी एस बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम लोग कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करें। ठीक है, एक्स है तो वाई कितना है, एक्स की। ठीक है, अब एक्स को चेंज करेंगे डेल्टा एक्स, तो वाई का न्यू वैल्यू कितना होगा, दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, दिस इज न्यू वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा वाई चेंज ऑफ वाई, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू कितना होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, एक्सपेंड करो a प्लस बी का होल क्यूब एक्स
एक्सपेंड करो कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस थ्री एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो चेंज ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एक्स कितना आया, कितना आता है चेंज ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डिफरेंशिएशन कैसे निकलता, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, यही डेफिनेशन है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का, तो वाई का वैल्यू कितना है, डेल्टा एक्स कैंसिल कर सकते हैं, कितना भी डेल्टा एक्स छोटा लिखेंगे लेकिन कैंसिल तो होगा ही, डेल्टा एक्स कितना भी छोटा रहे इट विल कैंसिल। अब लिखते हैं डिफरेंशिएशन, लिमिट डेल्टा एक्स शुड बी वेरी स्मॉल, तो देखो अगर डेल्टा एक्स को स्मॉल करें तो इस ये एक्सप्रेशन में कौन कौन सा टर्म खत्म हो जाएगा, अगर डेल्टा एक्स को स्मॉल कर दें काफी छोटा कर दें नियरली जीरो कर दें, कौन कौन सा टर्म वैनिश कर जाएगा, फर्स्ट टर्म वैनिश कर जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, जीरो के बराबर कर देंगे, ये भी वैनिश कर जाएगा, यहाँ भी डेल्टा एक्स है, ये वाला केवल बच जाएगा, ठीक है, क्या आ गया थ्री एक्स, यानी कि अगर हम लोग x क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, इफ यू डिफरेंशिएट x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट 3x स्क्वायर। अब यहां पर सिंबल क्या लिखते से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम लोग t लिख देते हैं तो फिर t स्क्वायर हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, t लिखो या s लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये चीज। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझने का ट्राई करते हैं, ये तो हमने इसको एकदम बेसिक मेथड से निकाल के देखा, ठीक है, और भी एग्जांपल कुछ करेंगे खुद और थोड़ा क्लियर होगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा नया चीज लग रहा होगा, हम लोग इसको ज्योमेट्री से रिलेट करके देखते हैं ज्योमेट्री में इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, हमारे पास मान लो एक ग्राफ दिया हुआ है y एंड x, ठीक है, सपोज ये ग्राफ है इस तरह से ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट लिया हमने a, दूसरा पॉइंट यहां पर लिया b, अगर हम लोग को बोला जाए कि a से b के बीच का स्लोप निकालो, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम है सभी को कैसे निकलता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी दो पॉइंट के बीच का, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा और हम लोग लिखते हैं स्लोप इक्वल टू ए से बी के बीच के बीच का जो स्लोप है, पॉइंट ए से बी के बीच का स्लोप रहेगा वो हो जाता है, यहाँ पर जो वाई में चेंज आया डेल्टा वाई, यहाँ मान लो y2 x2 y2 और यहाँ पर है x1 y1, डेल्टा y कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 लिखेंगे एंड डेल्टा x यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा
एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये तो तुम मालूम होगा सभी को, ठीक है। अगर हम स्लोप लिखना चाहें इस ए और बी पॉइंट के बीच का, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा ऑफ दिस एंगल एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये चीज निकलता है, ठीक है, ये स्लोप निकला ए और बी पॉइंट के बीच। लेकिन ये जो स्लोप निकला है हमारा ए और बी पॉइंट के बीच का एवरेज स्लोप, देख सकते हो डायग्राम से, यहाँ पर स्लोप अगर देखा जाए कम है थोड़ा सा, यहाँ पर ज्यादा स्लोपी है रीजन, ठीक है, दिस रीजन इज मोर स्लोपी एंड दिस वन इज लेस स्लोपी, बट व्हाट वी हैव गॉट इज एवरेज स्लोप, नॉट द स्लोप एट एवरी पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, ठीक है, इस पार्ट का एक्स स्लोप निकलेगा स्लोप वन और इधर का एक्स स्लोप निकलेगा स्लोप टू, ठीक है, दो स्लोप निकलेगा। हम इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, वी कैन स्प्लिट इट फर्दर, एक दो तीन चार पार्ट, ठीक है, चार अलग अलग स्लोप आएगा। सिमिलरली वी कैन स्प्लिट इट इनटू इनफिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, इनटू इनफिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर स्प्लिट किया जाए, मान लो छोटा सा रीजन देखते हैं, एक छोटा सा रीजन देखते हैं, इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इस पूरे कर्व को इनफिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब एक छोटा सा रीजन हम लोग देखते हैं, ठीक है, छोटा सा रीजन को मैग्नीफाई करके अगर देखें तो क्या एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा, एक कर्व जो है अगर हम उसको छोटा सा पार्ट केवल देखें तो छोटा से पार्ट में तो स्ट्रेट लाइन ही रहता है ना वो कर्व, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग इज, देखो ये स्मॉल रीजन का बात करें, छोटा से रीजन का, तो ये कर्व जो होता है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एंड फॉर दैट स्ट्रेट लाइन इफ यू मैग्नीफाई इट विल लुक लाइक दिस, एंड अगर इसका थीटा लिखा जाए टेन थीटा अगर हम लोग लिखते हैं इसके लिए, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम इतना छोटा कर सकते हैं कि ये एक परफेक्ट ट्रायंगल ही बने, ठीक है, परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा जो अभी स्लोप निकल रहा है, ये भी स्लोप है लेकिन ये स्लोप इस पॉइंट पर निकल गया, शुरू में हमारा क्या था, स्लोप पूरे के लिए निकल रहा था, पूरे रीजन का स्लोप निकल रहा था ना पूरे ए से बी के बीच, अभी ये क्या निकला, स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, जैसे वेलोसिटी के लिए हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वेलोसिटी में क्या बात कर रहे थे, वेलोसिटी में हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाले पूरे रीजन का, ठीक है, फिर उसको स्प्लिट करते करते टाइम को एकदम छोटा करते करते एक छोटे से एक टाइम गैप का वेलोसिटी निकाले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर पूरे का स्लोप निकाले और फिर फाइनली इसको गैप को छोटा करते करते क्या किए, एक छोटे से पॉइंट पर हम लोग स्लोप निकाल दिए। यानी कि किसी ग्राफ का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये क्या देगा, स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट देगा। इफ यू डिफरेंशिएट ए ग्राफ, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो उससे जो रिजल्ट आएगा दैट विल गिव स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल गिव स्लोप एट ए पॉइंट, ठीक है, समझ में आया ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है, ठीक है, हम एग्जांपल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, जो लोग नए ज्वाइन किए खास करके उनको उनसे पूछ रहे हैं।
किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर समझने में या कोई कॉन्सेप्चुअल कुछ बोलो, किसी को दिक्कत है मतलब समझ में आया डिफरेंशिएशन का क्या होता है मतलब? कैलकुलेशन पर हम लोग नेक्स्ट आएंगे, एक दो कैलकुलेशन वैसे किए अभी हम लोग, ठीक है, और भी कैलकुलेशन पर आएंगे बाद में, लेकिन मीनिंग तो समझ में आया हमारा डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। एक जनरल मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप, ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग स्लोप, ठीक है। तो ग्राफिकल मीनिंग इज, एक लाइन में लिख सकते हो, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन ए पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये ग्राफ सभी लोग ड्रॉ करोगे अपने कॉपी, ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन योर कॉपी, ठीक है, ड्रॉ करो ग्राफ, ड्रॉ करने का आइडिया है थोड़ा सा। देखो कैसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये पैराबोला होता है, इस ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से ड्रॉ हो गया, बाद में उसको चेक कर लेना, ठीक है, घर जाकर वेरीफाई कर लेना कि ऐसा होगा कि नहीं, इस टाइप को दिखता है ग्राफ, ऐसे दिखता है, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं। देखो चेक भी कर सकते हो, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 1 पर माइनस 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, तो 1, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, फिर x इक्वल टू माइनस 2 पर 4, ऐसे इस तरह से ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ता है मेरा मतलब, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं वैल्यूज यहाँ पर लिखते हैं, सपोज हम लोग x लिखते फिर y लिखते, x का वैल्यू 0 ली तो y कितना होगा, 0, 1 1, 2 4, -1 1, -2 4, ठीक है। dy by dx क्या होता है, इस किसी भी ग्राफ के उसका स्लोप होता है, यानी कि हम लोग dy by dx अगर लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं,
इसका क्या मतलब निकलता है, स्लोप लिख रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि dy by dx कितना होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग किए थे, t स्क्वायर का कितना आया था 2t, x स्क्वायर का कितना होगा 2x। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर ये ग्राफ है तो उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो 2x है, ठीक है। अब x इक्वल टू जीरो पुट करो, कितना आया जीरो, x इक्वल टू वन पुट करो, टू, x इक्वल टू टू पुट करो, फोर, माइनस वन पुट करो, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या लिखे, हम लोग लिखे x का वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप का वैल्यू। dy by dx जो है वो स्लोप है ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं वेरीफाई करें ये पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है, x जीरो y जीरो, इस जगह पर स्लोप क्या होगा, इस कर्व का देखो, कर्व ऐसे है, इसका स्लोप ऐसे होगा ना, ये जो टेंजेंट बनेगा इस कर्व पर वो तो ऐसे पैरेलल जाएगा x x डायरेक्शन के, ठीक है, पैरेलल जाएगा अंदर ले दीजिए, ओके, स्लोप जो है वो जीरो आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, ठीक है। इस जगह पर स्लोप कितना है, तो देखो हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में, अगर एग्जैक्टली तो नहीं पता चल पा रहा है स्लोप कितना, बट रफली हम लोग देख सकते हैं, ये बन रहा है इसका टेंजेंट, इसका स्लोप जो है वो टू के आसपास, ठीक है, देखने से पता चल रहा है पॉजिटिव वैल्यू कुछ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर है एक्स टू वाई फोर, ठीक है, एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू फोर, यहां पर कितना स्लोप है फोर, यानी कि कर्व यहां पर और ज्यादा स्टीप होगा, देखो एकदम ऐसे स्टीप है, देखो इस पॉइंट पर भी स्लोप है पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, बट हेयर कर्व इज स्टीपर बिकॉज स्लोप इज मोर देन दिस पॉइंट, समझ रहे हो, हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट उनको ग्राफिकली वेरीफाई करके देख रहे हैं, स्लोप जो है किस तरह से ग्राफिकली हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टू है, यहाँ पर ज्यादा है फोर है, ठीक है। निगेटिव साइड आते हैं माइनस वन वन, यहाँ पर स्लोप कितना है माइनस टू, यहां देख सकते हो स्लोप नीचे की तरफ माइनस, ठीक है, स्लोप जो है वो नीचे की तरफ इसलिए माइनस, और मैग्नीट्यूड वाइज इधर से इधर सेम है, दोनों सिमेट्रिकल ग्राफ है, दोनों साइड तो सेम है ना, इधर जो ग्राफ जितना दिख रहा है इधर भी उतना ही दिख रहा है, समझ रहे हो, तो स्लोप जो है वो दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड का है, बट यहाँ नेगेटिव वैल्यू है। फिर नेक्स्ट आ जाओ माइनस टू पर, माइनस टू फोर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है यहाँ भी, बट मोर नेगेटिव, ठीक है, स्टीपर ग्राफ, तो यहाँ कितना है स्लोप माइनस टू, समझ में आया डिफरेंशिएशन किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, रेट मेजरमेंट की तरह एंड ग्राफ में, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे, फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, लिखो फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, डेराइव नहीं करेंगे हम लोग, एक दो अभी डेराइव किए थे, जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा अभी हम लोग निकाले थे, कितना होगा सभी लोग, कितना होगा अभी हम लोग किए थे, इसका कितना होगा
ये तो हम लोग डेराइव किए, बट वी विल नॉट डेराइव ऑल दैट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, और सभी को हम लोग केवल लिख कर याद करेंगे और उसको यूज करेंगे। मीनिंग अगर समझ गया हो डिफरेंशिएशन का तो उसका यूज कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला सर, पहले तो केवल डी एक्स बाई डी एक्स मतलब अपने आप के रिस्पेक्ट में तो वन हो जाता है कोई भी चीज़। कॉन्स्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, सी इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी तो चेंज नहीं करता है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसके अलावा एक्स टू दी पावर फोर, फोर एक्स क्यूब, और जनरल फॉर्मूला होता है ठीक है। तो ये सब हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारा फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जो लोग कर चुके हैं उनको पता होगा, डायरेक्ट याद भी होगा वैल्यूज, तो जो लोग नहीं किए हैं वो लोग करेंगे, ठीक है। बाकी लोग जो है पेशेंस रखेंगे थोड़ा देर, डिफरेंशिएशन ये सब अभी प्रैक्टिस करना है, अभी बनाओगे सब। करना है ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो जो लोग नया किया डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम पहले नहीं किया उसको तो बता रहा हूँ। देखो जो पावर यहाँ पर दिया हुआ है वो पावर को वैल्यू जो होगा वो n हो जाएगा, जैसे इस केस में n इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ या हाफ हो जाएगा, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट, फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करना है, डिराइव नहीं करना, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए सारा सॉल्व करो, यहाँ एक्स पावर कितना होगा हाफ, यहाँ एक्स पावर कितना होगा माइनस वन, यहाँ पर 99, यहाँ पर माइनस टू, इसी तरह करो इसको, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे।